हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ जो एक काफी बैट और एक ब्रांड के बारे में बात करेंगे। एसस का ब्रांड है के बैट दिखाने वाला हूँ। तो वो वाले ब्रांड में जो सबसे ज्यादा बैट हॉट सेलिंग में आते हैं, जो डिमांडेड में आते हैं, आज की डेट में काफी डिमांड में आ रहा है, और उसके साथ वो आपके साथ बजट में भी आएगा कि ग्रेड टू का बैट भी रहे, बजट भी अच्छा रहे, प्रोफाइल भी अच्छी रहे और ग्रेन्स भी अच्छी रहे और वो हॉट सेलिंग बैट भी रहे। एसस की तरफ से काफी हॉट सेलिंग बैट्स है वो, जो अभी काफी डिमांड में आ रहा है। पिछले 6 महीने में बात करें तो काफी डिमांड में, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ जैसे न्यू लॉन्च हुआ है एसएस की तरफ से डीके सीरीज का, तो उसमें से एक बैट मैं आपको सिलेक्ट करके लेके आया हूँ। और उसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि टन सीरीज भी है, VA 900 भी है, रेट्रो सीरीज भी है, स्मैकर सीरीज भी है, मतलब जितनी एसएस की टॉप रेंज की सीरीज आती है उसमें से हमने बैट को सिलेक्ट किया हुआ है। उसमें से बैट के बारे में बात करें, क्या प्रोफाइल रहेगी, कैसी ग्रेन्स रहेंगी और क्या रेंज रहने वाली है, और ये सारे बैट्स ऑलमोस्ट ग्रेड टू में वेरी करेंगे, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे एसएस 10 सुप्रीम मॉडल की, एक बारी क्लोज लुक इसका दिखा दें आप। इसमें ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन्स आ जाएंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रेन स्ट्रेट है इसमें, कोई ब्लेमिश नहीं है बैट के ऊपर। और इसकी प्रोफाइल की बात करें, मिड टू लो प्रोफाइल रहेगा, स्पाइन इसकी हाई है और इसका जो स्पाइन है टिल बॉटम से थोड़ा ऊपर रहेगा, टिल बॉटम नहीं है और हल्की सी कंकेविंग है बैक साइड। और इसका वेट चेक कर लेते हैं, 1157 इसका वेट है। और मैं आपको एक चीज, इसका एजेस भी चेक करेंगे आज हम, एजेस कितनी है इसकी, 39.2 इसकी एजेस हैं। और इसकी एमआरपी इसकी है 19,200। और इस बैट का पिंग, एक बैट का पिंग और बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आप कभी भी अगर बैट परचेज करने जाएंगे तो सबसे पहले आप उसका पिंग चेक करेंगे और बैलेंस चेक करेंगे। बैट का स्टिकर देखो बाद में चेक करेंगे, बट उससे पहले हम पिंग और बैलेंस जरूर चेक करेंगे। तो मैं इसका पिंग चेक करके दिखाता हूँ आपको। और देख सकते हैं इसका पिंग काफी जबरदस्त है, बॉल इसमें अच्छी निकल रही है और इसकी जो साउंड है उसके बाद हम देखेंगे VA 900 बैक स्टिकर का बैट है। VA 900 इसका सीरीज है और मॉडल नेम रहेगा इंस्टिंक्ट, मॉडल नेम है और एमआरपी है इसकी 22,000। प्रोफाइल की बात करते हैं हम, इसकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं एजेस कितनी थिक है, स्पाइन इसका थोड़ा सा बॉटम से थोड़ा ऊपर, मिड टू लो प्रोफाइल बैट रहेगा, लेकिन जो इसका शोल्डर से और मीट पूरा भरा हुआ है, फुल मीट बैट कह सकते हैं इसको। और इसकी एजेस की बात करें, एजेस हम चेक करेंगे अभी, ग्रेन्स पहले काउंट कर लेते हैं। तो ग्रेन्स इसमें आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रेन्स है, क्लीन बैट है, कोई ब्लेमिश नहीं है बैट के ऊपर। और इसका वेट चेक करते हैं अब, 1191 ग्राम, अभी पैकिंग इसकी निकलेगी तो 1185 के अराउंड ये आने वाला है। इसकी एजेस रहेंगी 40.1। और इसका पिंग चेक, एक जो बैट में साउंड होनी चाहिए, एक जो एक बाउंस बैक होना चाहिए वो बिल्कुल इस बैट में परफेक्ट है। एक बाउंस बैक, काफी अच्छा बाउंस बैक आ रहा है इसमें से। बैट का बैलेंस अगर मैं देख लेता हूँ, बैलेंस कैसा है इसका, बैलेंस भी ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है, सारा बैलेंस इसका इस एरिया में फील आ रहा है मुझे। उसके बाद हम आ जाते हैं एसएस रेट्रो ब्लैक एडिशन, 10 ब्लैक एडिशन, मॉडल नेम रहेगा इसका, एमआरपी इसकी रहेगी 20,000 एमआरपी है। ये बैट ने काफी धूम मचाया था पिछले एक साल से, हमने काफी डिमांडेड ये बैट रहा है। और उसकी ग्रेन्स की बात करें, उसमें ग्रेन्स आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रेन्स का बैट है ये। हल्का सा ब्लेमिश है इस पे, बट ये प्लेइंग पे कोई इफेक्ट नहीं करता है ब्लेमिश,
एक ब्लेमिश बैट पे तब आता है जब इसकी क्लीनिंग होती है, वुड की क्लीनिंग के टाइम में ब्लेमिश आते हैं, बट इसका प्लेइंग पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। उसके साथ इसकी एमआरपी रहेगी 20,000, ब्लैक स्टिकर का बैट, और ये प्रोफाइल इसकी ये रहने वाली है, हाई स्पाइन के साथ बैट है ये। इसकी स्पाइन आप देख सकते हैं, स्पाइन थोड़ी बॉटम से थोड़ी सी ऊपर है, हाई स्पाइन के साथ बैट है ये, हार्ट हिटिंग के लिए बहुत बढ़िया बैट रहेगा। और इसमें हल्की सी मिनिमल सी कनकेविंग है, कनकेविंग ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, क्योंकि स्पाइन इसका ऊपर उठाने के लिए इसको हल्की सी कनकेविंग दी हुई है। बाकी इसका वेट एक बार चेक कर लेते हैं, वेट क्या है, 1180 ग्राम्स का बैट है ये, और इसका इसकी एजेस हैं। एक चीज और मैं बताऊंगा कि आपको एक आइडल एजेस और एक आइडल आपका स्पाइन, जो 65mm और 266mm का स्पाइन एक आइडल बैट का होता है, अकॉर्डिंग टू आईसीसी नॉर्म्स आपके एजेस 40 प्लस नहीं होने चाहिए, 39.7, 39.5, 40 पॉइंट तक चलेगा, बट 40 अप टू 45 अगर आप जाते हैं और मेजरिंग स्केल में अगर आपका बैट आता है, कोई ऑब्जेक्शन इसमें जरूर आएंगे, इसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है अगर आप इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, बट आप कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है, वहाँ पे रूल्स को उतना फॉलो नहीं करते हैं कि इतने परफेक्ट बैट को चेक किया जाए। तो इसका मैं पिंग चेक कर लेता हूँ, इससे आप देखेंगे काफी अच्छा पिंग इससे बॉल निकल रहा है। उसके बाद स्मैकर, काफी बैट ने इसका डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड जिसे मैं कह सकते हैं, बहुत डिमांड में बैट रहा है पिछले एक साल से। ये बैट पीछे से एसएस की तरफ से हमें कभी टाइम पे जैसे बोल सकते हैं कि इतनी डिमांड थी इस बैट की कि हमने इसकी फुलफिल नहीं कर पाए, बट हम ये स्टॉक में अब आ चुके हैं प्रॉपर तरीके से, अब हम इसको फुलफिल कर पा रहे हैं। बीच में शॉर्टेज हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ विलो की वजह से शॉर्टेज बैट की हो गई थी, क्योंकि इसकी स्पाइन और इसकी प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल का बैट है ये। अब इसके देखेंगे, इसका स्पाइन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, पूरा स्पाइन बॉटम से जाएगा और बॉटम हल्का सा यहाँ से उठा हुआ है, और इसमें हल्की सी कनकेविंग है, बिल्कुल हल्की सी है, और इसका स्पाइन देखेंगे बिल्कुल काफ़ी स्पाइन हाई है। और जो उसका बैट का मीट है, मीट आपका यहाँ से स्टार्ट है, इस एरिया से लेके बॉटम तक फुल बैट ये मीट से भरा हुआ है, और इसकी एमआरपी है 23,000। उसमें ग्रेन्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेन्स का बैट है ये, और इसका वेट चेक कर लेते हैं, 1165 इसका वेट है, और इसकी एजेस को हम चेक कर लेते हैं एक बारी, 40.5 इसकी एजेस हैं, और इसका पिंग टेस्ट, और उसके बाद डीके फिनिशर 2, ये बैट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, काफी डिमांड में बैट रह रहा है और अभी भी काफ़ी डिमांड में बैट है। तो ये डीके फिनिशर 2 मॉडल रहेगा, जिसमें ग्रेन्स आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेन्स का बैट, क्लीन बैट है, कोई इस पर ब्लैमिश नहीं है, हल्का सा ब्लैमिश है, बट ये कोई इफेक्ट नहीं देने वाला आपकी प्लेइंग के ऊपर। उसके बाद इसकी प्रोफाइल की बात करें, आपने देखा होगा स्मैकर की प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें एक डिफरेंस है, जो उसका बॉटम एरिया है, बॉटम एरिया को काफ़ी मीट दिया हुआ है, ऊपर की साइड इसमें स्पाइन इतना हाई नहीं है, बट जो बॉटम पे है स्पाइन इसका काफ़ी हाई है, मिड टू लो प्रोफाइल का बैट है, जस्ट बिकॉज कि इसमें आपको हार्ड हिटिंग करने के लिए इजी रहेगा, आप इसको बैट के साथ काफ़ी अच्छी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्पाइन टिल बॉटम तक आया हुआ है इसका, और उसकी MRP रहेगी 20,000 इसकी MRP है। ब्लैक एंड रेड कलर का स्टिकर है, क्लीन बैट है, एक बार प्रोफाइल मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, और इसमें कनकेविंग बिल्कुल भी कनकेविंग नहीं है, दिनेश कार्तिक के इनग्रेव सिग्नेचर भी आ रहे हैं इसमें,
और मॉडल नेम रहेगा फिनिशर 2। और इसका वेट चेक कर लेते हैं, वेट है इसका 1183। और इसका मैं एजेस भी एक बार चेक कर लेते हैं, एजेस कितनी है इसकी, एजेस 39.9, ऑलमोस्ट 40 का इसका एजेस है। और पिंक टेस्ट, एक फर्स्ट में जो इसका साउंड है ना, बहुत जबरदस्त साउंड है, ये देखिए। तो बॉल में इससे दूर चली गई है, तो बट कोई बात नहीं, हमारे बैट सारे हो गए कवर। और भी बैट्स देखना चाहते हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर करके बताएं कि नेक्स्ट बैट आप कौन सा करवाना चाहते हैं रिवील, तो हम जरूर करेंगे उसको रिवील, और अगले उसको भी हम कवर करेंगे जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।